दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल साइबर एडवाइस के जॉब एपिसोड के अंदर। तो इस एपिसोड के अंदर मैं आपको सरकारी जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपको मैं इंडियन नेवी की जॉब वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। ओनली 10th पास कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंदर पूरी जानकारी मिलेगी किस तरीके से फॉर्म भरना है और क्या क्या एलिजिबिलिटीज है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, क्या है फिजिकल फिटनेस, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग एंड कितनी सीट्स हैं, सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। तो दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आए। एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें एंड लाइक जरूर करें एंड साथ ही साथ वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आप सारी की सारी जानकारी इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से समझ सके एंड समझने के बाद ही आप अप्लाई करें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन एंड वीडियो के अंदर आप स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पॉइंट टू पॉइंट आपको फुल इंफॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वैकेंसी का नाम है द इंडियन नेवी इन्वाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स फॉर एनरोलमेंट एज सेलर्स फॉर मैट्रिक रिक्रूट MR अक्टूबर 2021, बैच फॉर कोर्स कमेंसिंग अक्टूबर 2021। तो चलिए हम इसमें एलिजिबिलिटीज की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन में है दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फ्रॉम अनमेरिड मेल्स कैंडिडेट्स, ओनली अनमेरिड मेल्स कैंडिडेट ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, मैरिड अगर कोई पर्सन है तो वो इसे फॉर्म नहीं भर सकता। फॉर एनरोलमेंट एज सेलर MR फॉर 350 वैकेंसी, यानी कि टोटल जो अप्रोक्सीमेटली वैकेंसी है पूरे देश के अंदर हर राज्य से मिला के जो है टोटल 350 वैकेंसी जो है इन्हें चाहिए अभी, और 350 वैकेंसी पर्सन ही सेलेक्ट हो पाएंगे इन द अक्टूबर 2021 बैच के लिए। द वैकेंसी विल बी अनमार्क इन अ स्टेट वाइज मैनर फॉर द टोटल 355 वैकेंसी, अप्रोक्सीमेटली 1750 कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन एंड फिजिकल फिटनेस। 350 वैकेंसी के लिए अप्रोक्सीमेटली 1750 ही पर्सन्स को जो है बुलाया जाएगा रिटन एग्जाम और फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए, यानी कि PFT के लिए। तो दोस्तों जो पहले जितनी जल्दी भरेगा और अपनी एप्लीकेशन जो भी भरे वो बिल्कुल साफ एंड क्लियर भरे, ताकि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन सबमिट हो वो फिर रिजेक्ट ना हो और ताकि आपका नाम आ जाए। द कट ऑफ मार्क्स फॉर अपियरिंग इन रिटन एग्जामिनेशन में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, जो कट ऑफ मार्क्स होगा इस रिटन एग्जामिनेशन में अपियर होने स्टेट वाइज हर स्टेट का अलग अलग होगा। तो चलिए अब आगे पढ़ ले, आगे समझ लेते हैं। आगे है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट हैव मस्ट पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, यानी कि 10वीं जरूर पास कर रखा हो कैंडिडेट ने फ्रॉम द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाय, जो भी स्कूल किसी भी बोर्ड से करा हो वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अब बात कर ले हैं जो जॉब की स्पेसिफिकेशन के बारे में कि किस तरीके की जॉब है ये। तो दोस्तों इसमें तीन प्रकार के जॉब हैं। तो सबसे पहला है शेफ की जॉब। तो शेफ की जॉब के अंदर यहाँ पे जो है ऑफिशियली क्या लिखा गया, दे वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फूड एज पर मेन्यू, मेन्यू के अकॉर्डिंग ही उन्हें खाना जो है वो बनाना पड़ेगा, बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, इंक्लूडिंग हैंडलिंग ऑफ मीट प्रोडक्ट्स, मीट प्रोडक्ट्स भी उन्हें देखने पड़ेंगे और मेन्यू के हिसाब से ही खाना बनाना पड़ेगा, एंड अकाउंटिंग ऑफ राशन, और जो राशन की अकाउंटिंग होती है देख रेख, राशन की अकाउंटिंग भी उन्हीं को करना पड़ेगा, यानी कि कितना बचा है कितना स्टॉक है ये सब वगैरह चेक करना होगा। इन एडिशन एडिशनली में दे विल आल्सो बी अलॉटेड अदर ड्यूटीज एज पर सर्विस रिक्वायरमेंट, और इसके अलावा उन्हें अदर ड्यूटीज भी दी जाएंगी। दूसरा है स्टीवर्ड। स्टीवर्ड में दे वुड बी रिक्वायर्ड टू सर्व फूड इन द ऑफिसर मैसेज, यानी कि जो स्टीवर्ड के लिए जो सेलेक्ट होंगे, जो स्टीवर्ड के लिए भरेंगे उनको जो है खाना सर्व करना पड़ेगा सभी कैंडिडेट्स को एज ए वेटर, वेटर की तरह। हाउसकीपिंग अकाउंटिंग ऑफ फंड, हाउसकीपिंग यानी कि किचन वगैरह की साफ सफाई का भी ध्यान उन्हीं को रखना पड़ेगा। अकाउंटिंग ऑफ फंड, अकाउंटिंग ऑफ फंड्स, वाइन एंड स्टोर्स, स्टोर और वाइन स्टोर का जो जो भी फंड का हिसाब होगा वो भी उनको रखना पड़ेगा। प्रिपरेशन ऑफ मेन्यू एक्सेट्रा, यानी कि मेन्यू का भी प्रिपरेशन उन्हें ही करना पड़ेगा।
इन एडिशन दे विल बी ऑल्सो अलॉटेड अदर ड्यूटीज एज पर सर्विस रिक्वायरमेंट, यानी कि इसमें भी जो है उन्हें अलग अलग सर्विस के लिए और चुना जाएगा इस काम के अलावा। तीसरी जो जॉब है वो है हाइजीनिस्ट की, यानी कि सफाई कर्मचारी की। तो इसके अंदर क्या कार्य होगा, दे विल बी रिक्वायर्ड टू क्लीन वॉशरूम शॉवर स्पेसिस एंड अदर एरिया, यानी कि इसमें जो है सफाई वाला ये क्लीनिंग करेंगे वॉशरूम की, शॉवर स्पेसेस की एंड अदर एरियाज की जो है पूरा क्लीनिंग करेंगे इन एडिशन, और एडिशनली में भी उन्हें अदर सर्विस ड्यूटी भी दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एज की। एज जो है कैंडिडेट शुड बी बोर्न बिटवीन, यानी कि जो कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 1 अप्रैल 2001 या उससे बाद की होनी चाहिए, और 30 अप्रैल 2004 या उससे पहले की होनी चाहिए। और दोस्तों फिजिकल फिटनेस की बात की जाए तो इसके अंदर जो है विदाउट ग्लास बेटर आई के लिए 6x6 के लिए है, वॉर्स आई के लिए 6x9 और विद ग्लास 6x6 और 6x6 होनी चाहिए। विद अगर ग्लास के साथ करेक्टेड हुई है तो बिल्कुल 6x6 की जो है आई विजन होनी चाहिए। और यहाँ पर नोट साफ साफ लिखा है एप्लीकेंट डिक्लेयर परमानेंट मेडिकली अनफिट बाय एनी आर्म फोर हॉस्पिटल, कहीं भी आपका मेडिकल हुआ हो किसी भी आर्म फोर हॉस्पिटल के अंदर और आपको उन्होंने फेल कर दिया हो तो दोबारा से आप नेवी के अंदर ट्राई ना करें। टैटू, परमानेंट बॉडीज टैटू आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस ऑफ फोर आर्म्स फ्रॉम इनसाइड ऑफ एल्बो टू द रिस्ट एंड ऑन द रिवर्स साइड ऑफ पाम, बैक साइड, डोर्सल साइड ऑफ हैंड। परमानेंट बॉडीज टैटूज ऑन एनी अदर पार्ट ऑफ बॉडी इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड कैंडिडेट विल बी बेर्ड फ्रॉम रिक्वायरमेंट। जो परमानेंट टैटू है ओनली जो हाथ के ऊपर, जो हथेली के ऊपर जो वाला पार्ट है उस पे हो सकता है, पाम पे यानी के, और कोहनी से लेके कलाई के ब्रीच में, एल्बो टू द रिस्ट एंड ऑन द रिवर साइड ऑफ पाम, इन साइड ऑफ एल्बो टू द रिस्ट, इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए अगर किसी ने बनवा भी रखा है तो। और अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर टैटू बना हुआ होगा तो वो जो है एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर ट्रेनिंग जो कैंडिडेट पास हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, अगर कैंडिडेट टेस्ट क्लियर कर लेते हैं फिजिकल और रिटन टेस्ट, तो उनको ट्रेनिंग की जो उनकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी अक्टूबर 2021 विद इन 12 वीक्स 4 विद 12 वीक्स 4 बेसिक ट्रेनिंग एट INS चिल्का फॉलोड बाय प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन द एलोटेड ट्रेड इन वेरियस नेवल ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच। ट्रेड विल बी एलोकेटेड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विस, सर्विस के अकॉर्डिंग ही ट्रेड उनको मिलेगा। अब दोस्तों सेलेक्शन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। ड्यू टू COVID-19 पैंडमिक एन एक्सपेक्शन इज बींग मेड इन द पब्लिक इंटरेस्ट वेयर अप्रोक्सीमेटली 1750 कैंडिडेट विल बी कॉल्ड अप फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन एंड PFT। ओनली 1750 जो है कैंडिडेट उन्हीं को बुलाया जाएगा, अप्रोक्स 1750 कैंडिडेट ही से टेस्ट करवाया जाएगा और उनका फिजिकल फिटनेस लिया जाएगा। द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन एंड PFT विल बी अंडरटेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, 10th एग्जामिनेशन। 10th एग्जामिनेशन के बेस पर जो ही इन 1750 कैंडिडेट को जो है टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जैसे कि सब जिन्होंने भी फॉर्म भरा होगा तो जिनके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे 10वीं में हर स्टेट से अप्रोक्स उन्हीं को बुलाया जाएगा। और द कट ऑफ मार्क्स में वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एज वैकेंसी हैव बीन एलोकेटेड इन अ स्टेट वाइज मैनर। जितनी भी वैकेंसी हर स्टेट की होगी तो जो कट ऑफ मार्क्स जो है स्टेट का, हर स्टेट का अलग अलग होगा, अलग अलग हिसाब से ही जो सिलेक्शन होगा। तो इसके अंदर जो सबसे पहले तो सिलेक्शन होगा टेस्ट के लिए, उसके बाद रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट के अंदर क्या क्या आएगा, तो द क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन पेपर होगा बायलिंगुअल होगा यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा एंड ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। दूसरा है द क्वेश्चन पेपर विल बी कॉम्प्राइज ऑफ टू सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चन पेपर पूरा बना होगा। सबसे पहला सेक्शन के अंदर साइंस एंड मैथमेटिक्स के सवाल होंगे और दूसरा जो है जनरल नॉलेज के सवाल होंगे, यानी कि 50% के अंदर आपका साइंस एंड मैथमेटिक्स होगा और 50% आपका जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर का जो स्टैंडर्ड होगा ना वो 10th लेवल के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि 10वीं के ही बुक्स के अकॉर्डिंग होगा। और सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन इज अवेलेबल, जो सिलेबस है एग्जामिनेशन का वो भी इंडियन नेवी की वेबसाइट पर अवेलेबल है एंड इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका PDF आपको मिल जाएगा सिलेबस का भी। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन होगा वो होगा 30 मिनट्स का, 30 मिनट्स के अंदर आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना होगा।
ऑल कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर रिटेनिंग रिटर्न एग्जामिनेशन वुड बी सब्जेक्ट टू PFT ऑन द सेम डे। जिस दिन रिटर्न एग्जाम होगा उसी दिन फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा। अब फिजिकल फिटनेस में समझ लेते हैं क्या क्या होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट को क्लियर करने के लिए क्वालिफाइंग इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट PFT इज मैंडेटरी फॉर सिलेक्शन, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है मैंडेटरी है सिलेक्शन के लिए। इसके अंदर आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी है, वो भी 7 मिनट्स के अंदर। 20 स्क्वाट्स करने हैं रनिंग के बाद, एंड उठक बैठक जो है उसे 20 स्क्वाट्स करने हैं, एंड 10 पुशअप्स भी साथ के साथ करने होंगे। कैंडिडेट्स अंडर गोइंग PFT विल डू सो एट देयर ओन रिस्क। और ये जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा वो जो कैंडिडेट है अपने रिस्क पे करेगा, जो टेस्ट करवा रहे हैं उनकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, गवर्नमेंट इनका रिस्क नहीं लेगी। और लास्ट में बात कर लेते हैं, मेरिट लिस्ट ऑफ MR विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन रिटन एग्जामिनेशन। और 1750 में से 350 लोगों का सिलेक्शन होगा रिटन एग्जामिनेशन में, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस किया होगा और फिजिकल फिटनेस में जिन्होंने परफॉर्मेंस किया होगा। तो अप्रोक्सीमेटली 450 कैंडिडेट विल बी इशूड कॉल अप लेटर फॉर इनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि 450 कैंडिडेट को, लगभग 450 कैंडिडेट को जो है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए INS चिल्का पे बुलाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट वाइज मेरिट के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम डेट की, कि कब से कब ये फॉर्म भरे जाएंगे और कैसे फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों ज़्यादा दिन नहीं मिलेंगे, 19 जुलाई से 23 जुलाई तक ही फॉर्म भरे जाएंगे ऑनलाइन, यानी कि सिर्फ 4 दिन के अंदर अंदर ही फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप रेडी रहें फॉर्म के लिए। और फॉर्म जो भरे जाएंगे वो joinindianavy.gov.in, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन कीप मैट्रिक सर्टिफिकेट रेडी फॉर रेफरेंस। आप जब भी फॉर्म भरेंगे ना तो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, www.joinindiannavy.gov.in इस पर जो है सबसे पहले रजिस्टर करना होगा आपको ईमेल आईडी के द्वारा, इफ नॉट रजिस्टर्ड ऑलरेडी, अगर पहले से आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा तो। तो आप क्या करेंगे, आप डेट से पहले रजिस्ट्रेशन तो कर ही लें, उसके बाद जिस दिन से वैकेंसी स्टार्ट हो जाएगी उस दिन फॉर्म सिर्फ आपको भरना होगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवा दें। द एप्लीकेंट मस्ट इंश्योर दैट व्हाइल फिलिंग देयर एप्लीकेशन फॉर्म दे आर प्रोवाइडिंग द वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी। जब भी वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो वैलिड और एक्टिव ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर ही दें, ताकि उस पर OTP आ सके और वो वेरीफाई हो सके। विच शुड नॉट बी चेंज टिल सेलेक्शन प्रोसीजर इज ओवर। और जब तक जो है सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट ना हो, जब तक ये ईमेल आईडी और फोन नंबर चेंज ना करें, ताकि आपके पास उनका अलर्ट आते रहे। उसके बाद करना क्या होगा, जिस दिन से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे आपको लॉगिन करना होगा आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड के अकॉर्डिंग। और आपको कौन से वाले ऑप्शन पे, करंट अपॉर्चुनिटीज वाले ऑप्शन पे जाके MR वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके फिर क्लिक ऑन अप्लाई बटन पे क्लिक कर देना होगा। फिर उसके बाद पूरा कंप्लीट फॉर्म भरना होगा, और सबमिट करने से पहले जितनी भी डिटेल आपने फिल करी होगी उन सब पे जो भी स्कैन, जो भी आपने डिटेल फिल की होगी आपके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। और जो स्कैन डॉक्यूमेंट और जितने भी डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके अपलोड करने, फोटोकॉपी आपको अपलोड नहीं करनी, ओरिजिनल ही आपको स्कैन करके अपलोड करना है। आगे बात करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी फर्दर स्क्रूटिनाइज्ड फॉर एलिजिबिलिटी एंड मे बी रिजेक्टेड एट एनी स्टेज। यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है किसी भी स्टेज पर रिजेक्ट हो जाता है अगर आप इन एलिजिबल दिखे तो। उसके बाद है फोटोग्राफ, द फोटोग्राफ टू बी अपलोडेड शुड बी गुड और क्वालिटी विथ ब्लू बैकग्राउंड। जो आप फोटोग्राफ अपलोड करोगे ना तो उसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लू कलर के अंदर होना चाहिए। तो आप पहले से ही फोटो जो है रेडी करके रख सकते हैं। 21 अगला जो है पॉइंट हमें, द एप्लीकेशन मे बी अपलोडेड फ्रॉम कॉमन सर्विस सेंटर अक्रॉस द कंट्री अगेंस्ट अ फिक्स फीस ऑफ 60 रुपीज। वैसे तो आप खुद भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन अगर आपके समझ में ना आए फॉर्म नहीं भर सकते आप, तो आप किसी CSC सेंटर पर जाकर भी फॉर्म भरवा सकते हैं 60 रुपीज प्लस GST का पे करके। इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी फेस बाय पोटेंशियल कैंडिडेट, कोई भी परेशानी आती है किसी भी कैंडिडेट को तो वो जो है नेवी के IHQ MOD नेवी थ्रो तो वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इंडियन नेवी के IHQ मोड नेवी थ्रो वेबसाइट के द्वारा जो है वो
कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट अस वाले ऑप्शन के अंदर जो है आपको ईमेल आईडी वगैरह आपको मिल जाएगी आपकी परेशानी दूर करने के लिए। और एक और जो है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मोबाइल फोन्स और तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, आई होप की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर दे, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। एंड अगर कोई कंफ्यूजन आपको इस वीडियो से रिलेटेड या मेरे चैनल पर किसी भी वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।